24 घंटा मूड में रही। खेसारी भैया, बैद रहमानी की जड़ी बूटी खा रहे हो कि कोई अंग्रेजी दवा खा रहे हो? 24 घंटा मूड में रह रहे हो नहीं, थोड़ा हमें भी बता दो। हमारा एक दोस्त है बेंचो, हमेशा स्टेटस लगाता है मूड ऑफ मूड ऑफ, थोड़ा उसे बता दे उसका मूड ऑन हो जाए। 24 घंटा चौबे जी 24 घंटा इनके पीछे घूम रहे हैं और पांडे जी चुम्मा का भिक्षा मांग रहे हैं। इस बात की सच्चाई पता की जाए कि क्या पांडे जी सच में चुम्मा का भिक्षा मांग रहे हैं। अरे का मर्दे पांडे जी, हर जगह तुम अपन भेजती है कराओ फिर तो, एक तो चुम्मा के लिए इतना कौन गिड़गिड़ाता है भाई। चलो भाई खेसारी लाल वाला ही लगाओ। देखो खेसारी भैया, डोरी में अंगूरी लगाने में और गिटार बजाने में बहुत फर्क होता है। नहीं, एक बार आप लोग भी देखो बाबू साहब कैसे गिटार बजाते हैं। नहीं, आप लोगों ने कभी किसी को ऐसे गिटार बजाते हुए देखा है या बजाया है? बजाया तो कमेंट करके बताइए। सही है, जान है, प्राण है, बाबू है, सोना है, जो भी है सब है, लेकिन खेसारी भैया उसको कपड़े की जरूरत तो पड़ती है ना, कि ऐसे अधनंगे नचाओगे? आपकी वीडियो को देखने वाले सब लोग 18 साल के नहीं होते, ज्यादातर 14-15 साल के बच्चे ही होते हैं, और आप ऐसे वीडियो बनाओगे तो नॉटी अमेरिका, और इसमें अंतर क्या रह जाएगा? लड़की के प्यार में धोखा खाने के बाद लौंडे या तो कबीर सिंह बन जाते हैं या तो शायर बन जाते हैं, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर धोखा खाने के बाद लौंडे सिंगर बन जाते हैं और दिमाग को गिरवी रख के दर्द भरे गाने गाते हैं। अरे दादा ही रे दादा। नहीं, आप लड़की से ही सुन लीजिए कौन से गाने गाते हैं। अब ये लोड़ू ललित भैया लड़की का ओढ़नी पकड़ के रोते रोते लड़की के घर पहुंच गए हैं, उसके शादी के मंडप में। चला जा भोज। एक वो अमेरिका का लड़का है मार्क जुकरबर्ग, जिसने लड़की से धोखा खाने के बाद फेसबुक बना दिया, इंस्टाग्राम बना दिया, व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, और एक हम इंडियंस है प्यार में धोखा खाने के बाद शराब का ठेका और सिगरेट की कंपनी खोलने की सोचने लगते हैं। गजब बेइज्जती है। मैं इनको पढ़ाई करने वाले छात्र बिल्कुल नहीं कहूंगा, अगर आइंस्टीन खुद आके कह देना कि ये पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये हवस का नंगा नाच है और कुछ नहीं। नहीं, अगर ऐसी लड़की किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ती है तो हमें भी दोबारा से पढ़ना है, भले ही आधार कार्ड दूसरा बनवाना पड़े चलेगा। अच्छा, मतलब इनको कुछ हो गया तो ये गाली देंगी। देखो मैडम, 2021 के जमाने में किसी भी लड़के को अगर इतना खोलने का ऑफर दोगी तो कोई भी लड़का अगरबत्ती लेके पूजा करने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, उसके बाद गाली देते रहना जी भर के। मतलब नीचे वाले में काला धागा बांधने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही काला है। गलती हो गई। नहीं, अगर 5 फुट लंबी लड़की नीचे से 3.5 फुट ऊपर तक केवल काला ही कपड़ा पहनी हो, आपको लगता है उसको काला धागा बांधने की जरूरत है? ऐसे ही बोल रहे हैं। इन भाई साहब से हम एक ही चीज जानना चाहेंगे, भाई साहब इससे पहले आप रेलवे की पूछताछ खिड़की पे बैठा करते थे क्या? गजब बेइज्जती है। नहीं, मतलब लड़की को काला धागा बांधने की सलाह दे रहे हो, नाभि में काजल लगाने की सलाह दे रहे हो, और खुद बरसाती मेढक की तरह उछल रहे हो। शर्म करो भाई साहब, बहुत बुरे लगते हो। उतना की जितने में एक लड़की आंटी बन जाती है। ओहो, दीदी का एज बहुत कम है, केवल इनका शरीर भरा हुआ है, वो भी इसलिए भरा हुआ है क्योंकि इन्होंने पिछले साल जेसीबी से जवानी की खुदाई करवाई थी।
हमने दिसंबर के महीने में ठंड को बढ़ते हुए देखा, लोगों को देश की जनसंख्या को बढ़ाते हुए देखा, लेकिन एक अमर का नंबर कब बढ़ गया हमने कभी देखा ही नहीं। देखा, पूरा देखा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।